नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं का गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जिसे आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग जब हल करेंगे तो क्या होगा कि 100 घात, तीसरा क्वेश्चन है, कितने घात, अधिकतम घात जो है वो 35, 35 घात के एक द्विपद। तो द्विपद जैसे 3x का घात 35 + 2 लिख लो, ये हो गया। कुछ भी आप लिख सकते हो इसके स्थान पे। फिर एक पदी का जैसे 10x का घात 100 कर दो, ये एक पदी हो गया, ये द्विपद हो गया, और घात कितना है, घात 100 है, और ये क्या हो गया, नहीं घात 35 है और ये क्या है, घात 100 है, और ये क्या है, एक पदी है, क्योंकि इसमें एक पद है, एक पदी। चलिए दूसरा, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, 5x का पावर 3 + 4x का पावर 2 + 7x, और ये -4 का 4, फिर -y घात 2। तो इसमें सबसे पहले हम चर राशि ढूंढते हैं, चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। ऐसे इसमें देखेंगे 5x का घात 3, तो इसमें 2 है, x की घात अधिकतम क्या है, 3 है, तो इसकी घात क्या होगी, इस बहुपद की घात जो होगी, पहले वाले की घात, इस पहले वाले की घात जो होगी वो होगी आपकी 3। क्यों 3 होगी, क्योंकि अधिकतम घात 3 है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे की घात क्या होगी, अधिकतम 2 होगी, क्योंकि जो चर राशि वाई है उसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो घात 2 होगा। फिर तीसरे क्वेश्चन का देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में चर राशि टी है, तो टी का अधिकतम घात क्या मिलेगा, 1 है, तो ये घात 1 हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें देखते हैं 3 है, कोई चर राशि है, कोई चर राशि नहीं है, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, चौथे को, जब कोई चर राशि नहीं है तो ध्यान से देखिए आप, इसमें हम x का घात 0 लिख लेते हैं, तो x का घात अगर 0 लिखेंगे इंटू 3 लिखेंगे, या 3x का घात 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 का मतलब एक भी भार नहीं है x, तो क्या होगा, 0, तो घात 0, अगर कोई अचर राशि है और चर नहीं है तो घात 0। फिर है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन रैखिक है, जिसका अधिकतम घात 1 होता है वो रैखिक, जिसका 2 होता है वो द्विघाती, और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघाती कहते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघाती। इसका अधिकतम घात 3 है तो इसको क्या कहेंगे, त्रिघाती। इसका अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो रैखिक कहेंगे, अधिकतम घात 1 वाले को रैखिक, इसका अधिकतम घात 3 तो त्रिघाती, इसका अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती, इसका अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती, इसका अधिकतम घात 1 है तो रैखिक। बस क्लियर हो गया। चलिए